बताते चले कि अमेठी के तिलोही तहसील क्षेत्र के ग्राम सवाल लोधबरिया के कोटेदार चंडिका प्रसाद की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान थी, जो चंद दिनों पहले कोटेदार के प्रति ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई उसकी धांधली पाने की वजह से तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए SDM तिलोही सुनील कुमार त्रिवेदी ने कोटे को निलंबित कर दिया था। वही कार्ड धारकों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो इसको दृष्टि में रखते हुए तिलोही राशन की दुकान के साथ अटैचमेंट कर दिया था, लेकिन कोटेदार चंडिका प्रसाद अपनी धांधली से फिर भी बाज न आया। उसने 130 बोरी चावल तो हैंड ओवर कर दिया, लेकिन लगभग 600 लीटर मिट्टी का तेल जो कार्ड धारकों को वितरण करना था उसे हड़प करने की पूरी कोशिश कर डाला। इसी क्रम में ग्रामीणों द्वारा दोबारा दूरभाष के माध्यम से शिकायत पर SDM तिलोही सुनील कुमार त्रिवेदी, न्यायिक तहसीलदार व कोतवाली प्रभारी विश्वनाथ यादव ने फोर्स संयुक्त टीम से कोटेदार ग्राम सभा लोधबरिया चंडिका प्रसाद के घर पर छापा मारकर लगभग 600 लीटर तेल मिट्टी का बरामद कर संगीन धाराओं में कार्रवाई पंजीकृत की गई। वहीं कोटेदार चंडिका प्रसाद ने परिवार के घर छोड़कर फरार हो गया। अभी तक वह पुलिस या प्रशासन के हाथ नहीं लगा है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी तहसील तुलई सुनील कुमार त्रिवेदी ने बताया, कोटेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उसे जेल भेजा जाए। जानना चाहता हूँ ये निलंबित कोटेदार चांदिका के यहाँ किस लिए छापा पड़ा है, क्या मामला है? एक्चुअल में दूरभाष पे ये शिकायत की गई है, जो निलंबित कोटेदार है उसके यहाँ 4 से ज़्यादा ड्रम जो है मिट्टी के तेल के बने हुए रखे हुए हैं जी। ये मिट्टी का तेल जो हमारे कार्ड धारक थे उनको उनमें बांटा जाना था जी, लेकिन इस कोटेदार द्वारा जो है मिट्टी का तेल का वितरण नहीं किया गया है और निर्धारित जो चौधरी है दुकान की उससे अलग अपने घर में 4 ड्रम जो है छिपा के रखे हुए हैं मिट्टी का तेल। उस पर क्या कार्रवाई होगी? उस पर यही अभी जांच की जा रही है, हमारे तहसीलदार जुडिशियल को हमने लगा रखा है और हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर साहब लगे हुए हैं, लोग जांच कर रहे हैं, जो भी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी।